इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात दो घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। क्या पहले भी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने खरीदे थे केजीएफ 2 के राइट्स? क्यों बढ़ा केजीएफ 2 का 7 गुना इन्वेस्टमेंट? क्यों उड़ गए होश फरहान अख्तर के? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। कन्नड़ एक्टर यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था। टीजर को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म में लीड रोल में यश नजर आ रहे हैं, वहीं संजय दत्त और रवीना टंडन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, टीजर में सभी का लुक देखने को मिला है। टीजर देखकर यही लग रहा है कि फिल्म काफी शानदार होने वाली है। और दोस्तों इतना ही नहीं, केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने यूट्यूब के मामले में भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। टीजर को अब तक 130 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इतने व्यूज पाने के बाद ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीजर बन गया है। अब दोस्तों इस इंतजार के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं। साल 2018 में भी रितेश और फरहान ने पहले पार्ट के हिंदी राइट्स खरीदे थे। उस दौरान उन्हें ये नहीं पता था कि फिल्म को इतना पसंद किया जाएगा। अब दोस्तों दूसरे पार्ट को लेकर पहले से ही काफी बज क्रिएट हो गया है। फैंस को फिल्म केजीएफ 2 का बेसब्री से इंतजार है। अब ऐसे में मेकर्स ने दूसरे पार्ट के हिंदी राइट्स बेचने के लिए बड़ी रकम की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स ने रीजनल फिल्म में जितना इन्वेस्ट किया है उससे काफी बड़े अमाउंट में हिंदी राइट्स बेचने का फैसला किया है। जब केजीएफ बन रही थी तब मेकर्स ने इसे हिंदी में रिलीज करने के बारे में नहीं सोचा था। अंतिम समय में इसे बेचना तय हुआ। इसके राइट्स बहुत सस्ते दामों में एक्सेल एंटरटेनमेंट को बेचे गए। लेकिन अब चीजें एकदम बदल गई हैं। फिल्म के सीक्वल में ओरिजिनल से 7 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इसलिए एक्सेल एंटरटेनमेंट को भी राइट्स खरीदने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। इससे फरहान अख्तर के पैरों तले जमीन निकल गई। अब भाई इतनी महंगी फिल्म के राइट्स खरीदने इतने भी आसान नहीं, और अब इससे तो आपको फायदा ही होने वाला है फरहान अख्तर जी। तो दोस्तों अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस मूवी के राइट्स इतने महंगे हैं वो मूवी देखने में कितनी मजेदार होने वाली है। क्या आप इस मूवी को देखने के लिए तैयार हैं? हमें अपनी राय जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। साथ ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।